हेलो दोस्तों, आज हूँ मैं झांसी के किले में। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है और यहाँ जो है झांसी की रानी शासन करती थी ओल्ड टाइम में। ये बहुत पुराना है और अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये जो सामने है ये मैप है और गाइस यहीं से रोड है अंदर जाने का। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर पेड़ भी हैं और यहीं साइड में मेरे कड़क बिजली तोप है, आप देख सकते हैं। और यहीं है साइड में मेन एग्जिट एंड एंट्री गेट, यहीं से एग्जिट एंट्री दोनों ही होती है। और गाइस अब मैं आ चुका हूँ थोड़ा सा ऊपर उसी रोड से, आप देख सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर से व्यू दिखाया, वो कड़क बिजली तोप थी, आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया दिख रहा है। और ये बिल्कुल ऊपर से व्यू, मतलब बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा और ऊपर से व्यू है ये, वो भी आप देख सकते हैं। झांसी शहर यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है और आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया लग रहा है। आप देख सकते हैं मतलब नॉर्मली जो है तो हमारे घर होते हैं उनमें सीलन आ जाती है, पर ये देख सकते हैं आप कितना ओल्ड टाइम का, तब भी इन इतने ओल्ड टाइम की चीज़ों में अभी तक सीलन नहीं आई है। आप सोच सकते हैं इतना पुराना होने के बावजूद भी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका मटेरियल। और ये गेट्स हैं और आप देख सकते हैं। और गाइस अब मैं महल के अंदर आ चुका हूँ, वो भी और ज़्यादा। और गाइस यहीं से अगर हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा पंचमहल। ऐसा है जो पंचमहल है ना उसके पांच द्वार हैं, इसलिए उसका नाम पंचमहल रखा गया है। और ये जो पंचमहल है ये देखिए गाइस, ये आया थोड़ा सा, हाँ ये है। तो इसमें क्या है, रानी लक्ष्मीबाई जी रहती थी ओल्ड टाइम में। आप वीडियो पॉज करके ये सब पढ़ सकते हैं। वो क्या है कि वो वहाँ रहती थी पंचमहल में, तो उनका घर है इस तरीके से। और ये गाइस आप देख सकते हैं ये जो ऊपर का छत है ये अंग्रेजों ने बाद में बनवाया था। पंचमहल के ऊपर की जो छत है, और अब हम लोग रोड से और आगे जा रहे हैं तो गाइस थोड़े से और ऊपर का व्यू है, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ग्रीनरी है। और ये है पंचमहल, आप देख सकते हैं। और गाइस इससे थोड़ा हम लोग और साइड में करेंगे कैमरा, वो भी राइट साइड को, आप देख सकते हैं पूरा झांसी शहर दिख रहा है, आप देख सकते हैं मतलब पूरा दिख रहा है। और यहाँ से भी दिख रहा है पूरा झांसी शहर, मैं थोड़ा आगे से। और ये है जो ये जंपिंग पॉइंट है, और गाइस ये ऊपर है प्यारा सा हमारे देश का लहराता हुआ झंडा। और गाइस ये देखिए, इतनी ऊपर से कूदी थी रानी लक्ष्मीबाई जी, क्या हुआ था उन्होंने ना अपने पीठ के पीछे अपना सन बांध लिया था, और फिर क्या हुआ वो घोड़े पे सवार होकर कूद गई थी यहाँ से। और ये है पंचमहल, आप देख सकते हैं। और गाइस ये आप देख सकते हैं ये जंपिंग पॉइंट के थोड़ा सा पीछे वाला एरिया है, मतलब आसपास का ही है। और यहाँ से भी झांसी शहर दिख रहा है और सनसेट हो रहा है, आप देख सकते हैं क्या प्रकृति ने व्यू दिया है हमारे धरती पे। और गाइस ये है हमारे देश का झंडा, और ये पंचमहल है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से, ये जंपिंग पॉइंट है। और गाइस यहीं से आगे जाने पे हम लोगों को फांसी घर मिलेगा, एक गार्डन है वो भी मिलेगा, और एक दूसरा मंदिर भी है। तीसरा मतलब एक मंदिर है, एक गार्डन है और फांसी घर है। तो गाइस यहीं से हम लोग नीचे जाएंगे
आप देख सकते हैं जो रोड है नीचे की तरफ जा रही है गाइस, यहीं से है इसकी एंट्री। यहाँ जो है अंदर चमगादड़ भी है और यहीं से हम लोग तीन जगह अलग अलग जा सकते हैं। पर मैं अंदर नहीं गया था क्योंकि मुझे लग रहा था डर, क्योंकि ऊपर आ रहा है चमगादड़ तो मुझे तो डर लग रहा था इसलिए मैं गया नहीं। फिर अभी रुकना, हाँ ये एक गया दूसरा गया, आपने देखा ऊपर चमगादड़ है इसलिए मैं अंदर नहीं गया। और गाइस आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल हो गया, थोड़ा सा ये इवनिंग हो गया वीडियो बनाते बनाते, कितना प्रकृति का कितना सुंदर व्यू आ रहा है आप देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल आ रहा है नज़ारे, कितना बढ़िया है ये, कितना मजेदार है। यहाँ तो मुझे बहुत मजे आए। और गाइज ये है कड़क बिजली तोप, ये जो कड़क बिजली तोप है इसका नाम इसलिए कड़क बिजली तोप रखा है क्योंकि जब ये चलती थी तब इसके अंदर से बिजली के कड़कने की आवाज आती थी। गाइज आप देख सकते हैं ये थी कड़क बिजली तोप। और अब मैं जा रहा हूँ बाहर और बाहर की भी आपको थोड़े बहुत व्यू दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बॉम व्हाइट लाइट है। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।